मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आज है फ्राइडे, टाइम हो गया है 9:15। अभी अभी जस्ट आज थोड़ा लेट निकले हैं हस्बैंड ऑफिस के लिए, तो निकल गए हैं और अब मैं अपना घर का काम शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले चाय पीऊँगी। आज सुबह से सिर्फ सिंपल पानी पिया है मैंने, ना जूस हुआ, क्योंकि हस्बैंड का जूस पीने का मन नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। फिर अपने लिए सिर्फ बनाने का मन नहीं करता है, ना उन्होंने आज चाय पी, उनका चाय पीने का मन नहीं था। खैर, मैंने अपने लिए चाय बनाई है और वो रखी हुई है, अभी मैं पीऊँगी उसको। उसके बाद घर की साफ़ सफाई में लगते हैं। और आज जो है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडक है हवा के अंदर। हालांकि धूप है, लेकिन कल से ही ना मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रहा है, जैसे कि आसपास कहीं बारिश होती है तो मौसम में ठंडक आ जाती है, वैसा कुछ है। तो देखते हैं यहाँ कब बारिश होगी। अभी यहाँ तो बारिश हुई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह सुबह तो थोड़ा ठंडी हवा का आनंद मिल जाएगा। अगर वो सोच रहे हैं आप क्या ढका रखा हुआ है, तो वो एक्चुअली एक पैकेज आया हुआ है जिसको काफ़ी भारी है, तो मैं उसको उठा के बाहर नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर रख के और ढक दिया अच्छे से, ताकि मतलब कुछ दिक्कत ना हो, हवा में कुछ दिक्कत ना आए। तो इसीलिए पराठे भी मैंने बना लिए हैं, सेहत के लिए भी और अपने लिए भी। आज का दिन एकदम रिफ्रेशिंग सा है और सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है, ठंडक सी है ना, जो उसकी वजह से मन एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। और ये फ्रेम में आया है तो मैं बता देती हूँ, इसके लिए आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मैं जवाब दे देती हूँ कमेंट सेक्शन में, फिर भी बार 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 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये जो है वॉल आर्ट, क्या बोलेंगे इसको, जो सोफ़ा के ऊपर मैंने ब्लू कलर का लगाया हुआ है, एक इधर और एक ये इधर, इन दोनों के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसके लिए बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वाला जो है, ये मैंने पचकुइया रोड से लिया था। जब मैंने लिया था उस समय भी मैंने बताया था, इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अराउंड ये 4000 के आसपास था, या तो उससे 200-300 रुपये कम रहा होगा, या आई थिंक ऐसा ही था, 4000 के आसपास का था। ये काफ़ी बड़ा सा है, ये हमारा सोफ़ा भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके अगेंस्ट ये थोड़ा बड़ा ही लिया था हमने। ये बहुत प्यारा मेटल का पीस है, जो देखते ही हमें पसंद आ गया था, और हमारा जो रूम है उसकी थीम से भी ये बहुत अच्छा मैच कर रहा था। ये वहाँ से लिया हमने, और वहाँ पे ऐसे एक नहीं, हज़ारों आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में और साइज़ में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। अभी तो पता नहीं खुला है या नहीं खुला है, बट ये हमने वहीं से लिया था, और ये भी हमने वहीं से लिया था। ये आई थिंक 1100 का था या 900 का था ऐसे, या तो 11 या तो 9, ऐसे में कुछ ये था। और ये जो छोटू से हमारे गन्नू जी हैं, ये भी हमने वहीं से लिए थे, और ये शायद 450 या 500 के थे। ये भी मेटल में ही है, और इनमें छोटा सा ना दिया रखने के लिए है ऊपर, तो हमने ऊपर लगवाया, तो हम दिया नहीं रख सकते हैं। अगर आप कहीं अपने मेन गेट के दरवाजे के आसपास अगर इसको लगाते हैं, तो आप इसमें दिया भी प्लेस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन से फ्राइडे की वीडियो है, तो ये एक्चुअली जो अभी फ्राइडे गया है ना, उस दिन की वीडियो है। और उसके बाद फिर मैंने फादर्स डे का व्लॉग शूट किया था, सैटरडे कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। फादर्स डे के व्लॉग में मैं कोई डिले नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको पहले पोस्ट कर दिया, और ये वीडियो रह गई मेरी। और ये वीडियो भी इतनी लंबी बनी है ना फ्राइडे के दिन की, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था इसको, और फिर पूरा नाइट तक मैंने शूट किया, बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स आपके लिए शूट किए, बहुत सारी चीज़ें शूट की। तो ये भी इतनी लंबी हो गई ना, जब हम शूट करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना ज़्यादा शूट करते चले जा रहे हैं, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। तो इसीलिए मैं इसको भी दो पार्ट्स में डाल रही हूँ, एक पार्ट आप अभी आज देख रहे हैं, इसके अंदर मैं कोई रेसिपी इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ, और एक पार्ट आप देखेंगे कल इसका, जिसके अंदर मैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी जो सुबह के काम है वो सब चल रहे हैं, मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने सोचा कि पौधों को पानी पिला दिया जाए। आज सोचा इनको अच्छे से पत्तियों से धो देते हैं, क्योंकि ना वीक में एक बार कम से कम ये करना बहुत ज़रूरी होता है पौधों के साथ में, इनके ऊपर बहुत सारी डस्ट आके लग जाती है पत्तों के ऊपर, तो इसीलिए ये स्प्रे बॉटल से सबसे ईजी होता है करना। आप इस तरीके से पानी भर के और अच्छे से पत्तों पर स्प्रेड कर दीजिए, तो सारी डस्ट निकल जाती है, प्लांट एकदम नहाए धोए साफ़ सुथरे से हो जाते हैं, और साथ ही में खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। पता नहीं मतलब आप लोगों को ऐसा होता है या नहीं, पर मुझे बहुत होता है जब पत्तों पे पानी ऐसे दिखता है ना, या फिर गिरते हुए दिखता है,
तो वो फील इतना सुकून देता है ना, बहुत अच्छा सा लगता है। आप जब मिट्टी में डायरेक्ट पानी डालो तब ऐसा कोई फील नहीं आता, लेकिन जब पत्तों पे पानी गिरता है ना तो बहुत अच्छा सा सेटिस्फेक्शन खुद को भी मिलता है। तो बस सारे जो पेड़ पौधे थे घर के, इंडोर एंड आउटडोर, सबको मैंने पानी अच्छे से दे दिया, उनकी पत्तियाँ सब अच्छे से क्लीन कर दी हैं, और बस अब घर के काम जो झाड़ू पोछा हमारा सुबह सुबह करना पड़ता है वो सब करके, कभी कभी मन नहीं करता बिल्कुल करने का, लगता है एक ही काम रिपीट किए जा रहे हैं। सारा रूटीन सारे दिन एकदम एक जैसे होते हैं, किसी में कोई ज़रा सा भी अंतर नहीं होता है, सब कुछ एकदम एक जैसा। पहले क्या होता था, कभी कभी बाहर चले जाते थे तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता था, सैटरडे संडे बाहर गए तो रूटीन चेंज रहता था, कभी कहीं गए, कभी कोई प्रोग्राम बना लिया, घर में कोई आ गया या किसी के घर चले गए, लेकिन अब तो सारे दिन बस एकदम एक जैसे होते हैं। तो कभी कभी बड़ी थकावट और बोरियत सी हो जाती है कि एक ही तरह का काम हम बस किए जा रहे हैं, पता नहीं इन सारी चीज़ों से कब हमको छुटकारा मिलेगा। जाने कितने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि आप अपने बाल कैसे स्ट्रेट करते हो एक बार दिखा दो। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट फिर भी ढेरों कमेंट्स आते हैं। जिस वीडियो में मैं जनरली अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ ना, उस वीडियो में बहुत कमेंट आते हैं स्ट्रेटनर के बारे में भी और मैं कैसे स्ट्रेट करती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ, बस ये सूख जाएँ उसके बाद मैं आज करूँगी। तो मैं आज आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसे बाल स्ट्रेट करती हूँ और मेरे पास कौन सा स्ट्रेटनर है। घर के काम तो हो गए हैं और हमने लंच भी अपना कर लिया है, और अब मैं स्ट्रेट करने जा रही हूँ अपने बाल। ये वाला स्ट्रेटनर मैं यूज़ करती हूँ फिलिप्स का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़नी हो। फिलिप्स का ये वाला जो स्ट्रेटनर है इसको मैं 7 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और स्पेसिफिकेशन आप इसकी जाके पढ़ लेना, कुछ बहुत मैं स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ। और ये मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए मुझे मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा महंगा वाला है, ज़्यादा महंगा वाला नहीं था, 3000 के कुछ अराउंड इसका कॉस्ट आया था मुझे 7 साल पहले, और अभी भी ऐसे ही होगा ये कुछ। तो ये जैसा मेरा नीड है ना, क्योंकि मैं कभी कभार करती हूँ तो वो फुलफ़िल कर देता है ये। बाकी मेरा जो हेयर टाइप है उसके अनुसार मुझे इससे बेटर वाला चाहिए अगर मुझे एकदम क्रीमी रिज़ल्ट चाहिए तो, लेकिन हाँ मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इससे कोई रिग्रेट नहीं है इसको ख़रीद करके। मेरा जो काम है 10 मिनट में नहीं सही, 15 मिनट में हो जाता है ऐसा कुछ है, बट ये मेरे लिए ठीक रहा है। 7 सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, और रिज़ल्ट अगर मैं थोड़ा सा टाइम लगा के काम करूँ तो रिज़ल्ट इसका एकदम पिन पॉइंट स्ट्रेट हेयर भी ये दे देता है। बट जनरली मैं एकदम पिन पॉइंट एकदम स्ट्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल स्ट्रेट पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ, हल्का हल्का ही स्ट्रेट करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल ना कितने फ्रिजी हैं, मेरे बाल ना कर्ली की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, और इसीलिए मुझे स्ट्रेट रखने का इनको मन होता है, क्योंकि जब ये नॉर्मल रहते हैं ना, चाहे कितना भी मैं कंघी वगैरह करके रखूं, जब ये नॉर्मल ऐसे सिंपल लगते हैं तो ऐसा लगता है ना देख के कि किसी ने बालों से पकड़ के एकदम, किसी बच्चे ने ना बाल सारे चितर बितर कर दिए हों। तो इस हिसाब से मेरे फ्रिजी हैं, हमेशा
अनमैनेजेबल रहते हैं बिल्कुल। तो इनको मैनेज करने के लिए या तो आप स्ट्रेट रखो या फिर पीछे पोनी टेल करके रखो। पोनी टेल करने पे भी जो मेरे फ्रंट के आगे के बाल आते हैं वो भी ऐसा लगता है कि कंघी नहीं कर रखी है, तो बहुत अजीब सा टेक्स्चर है कुछ मेरे बालों का, और इसीलिए मुझे अपने बालों को स्ट्रेट करना पसंद है। और यही रीज़न था कि मैंने अपने बालों में स्मूदनिंग करवाया था, क्योंकि कुछ दिनों के लिए सही, एक साल के लिए सही, लेकिन वो मैनेजेबल सिल्की स्मूद हेयर को मैं फील करना चाहती थी। और अभी भी मैं करवाती, लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि आप पार्लर जा ही नहीं सकते हो, तो जो करना है घर पे ही करना है। चलिए अब आते हैं कि बालों को मैं कैसे स्ट्रेट करती हूँ। इसके बहुत सारे मतलब तरीके हैं, आपके हाथ के ऊपर और आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। पहले मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब से कि कैसे मैं अपने बालों को स्ट्रेट करूँ, फिर धीरे धीरे खुद करते करते मुझे समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से कम्फर्टेबल होती हूँ और किस तरीके से जल्दी मैं कर पाती हूँ। तो उसी हिसाब से मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है कि बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अदरवाइज़ बहुत से लोग बहुत सारे सेक्शंस बना के बहुत सारी पिंस लगा के करते हैं, बट मुझे ये तरीका मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है। जब आप करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको अपने लिए बेस्ट तरीका मिल ही जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, एक जो पार्ट है उसको मैंने, एक साइड का जो सेक्शन है उसको पूरा मैंने रबर बैंड से बांध दिया है, और दूसरे साइड का बस थोड़े से बाल मैंने पीछे से निकाले हैं और सारे बाल मैंने इस तरीके से ऊपर क्लचर से पिन कर लिए हैं। अब ये जो थोड़ा सा सेक्शन मैंने खुला रखा है इसको मैं स्ट्रेट करना स्टार्ट करूँगी। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पीछे की तरफ से बाल स्ट्रेट करना है, पीछे से होते हुए आगे की तरफ आना है, कभी भी आगे से स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल थोड़े से बाल लिए हैं मैंने पीछे से, और इतने बाल एक बार में नहीं करने हैं, मैं बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शंस बनाने हैं बालों के और धीरे धीरे स्ट्रेट करना है। मुझे ना नेचुरल स्ट्रेट पसंद आते हैं, तो मैं फिर भी थोड़े से ज़्यादा बाल यहाँ पर ले रही हूँ, नहीं तो आप बिल्कुल ही छोटे छोटे सेक्शंस लेना। सारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो आपके स्ट्रेटनर के साथ ही आती है कि कितना छोटा सेक्शन आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं इतने बाल ले रही हूँ, आप इससे भी कम लेके कर सकते हैं अगर आपको एकदम, कहते हैं ना, एकदम पिन स्ट्रेट हेयर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक कंघी रखिए साथ में, क्योंकि हाथ से आप टैकल नहीं कर पाओगे, इस तरीके से बार बार आपको कॉम लगाना होता है। हाथ से अगर ये काम करने की सोचेंगे तो हाथ जल जाएंगे, बाल बहुत गर्म हो जाते हैं, जैसे कि आयरन होता है ना, ये आयरन ही है। तो आप आयरन के कपड़े जब छुओ आयरन हटा के तो कितने गर्म होते हैं, कुछ उस तरीके से आपके जो बाल हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हीट लगती है बालों में इस प्रोसेस के दौरान में। तो इसी तरीके से देखिए मैं छोटे छोटे सेक्शंस ले रही हूँ और उस पर एक से दो बार मुझे स्ट्रेटनर करना पड़ता है। हल्के हाथ से कर रही हूँ, अगर थोड़ा दबा के करूँगी ना तो एक बार में ये स्ट्रेट हो जाते हैं, बट थोड़ा दबा के करती हूँ ना तो फिर हाथ में दर्द हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर तक करते रहना होता है ना, तो इसीलिए मैं हल्के हल्के करती हूँ और दो से तीन बार मैं बालों के ऊपर इस तरीके से करती हूँ और बस ये हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो मेरी रूट्स हैं उनके पास नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा मुझे एकदम पिन स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए, मुझे बस नेचुरल स्ट्रेट करना है इनको। तो देखिए फटाफट हो गए, मुश्किल से कुछ सेकंड लगे होंगे मुझे, 30-40 सेकंड और हो गए। जब मैंने शुरुआत किया था ना, जब करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मुझे अपने पूरे बाल करने में लगभग एक घंटा लग जाता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हैबिट होती गई, टेक्निक पता चलती गई, हाथ भी उसमें साफ़ हो गया, तो अब मुझे 20 मिनट लगते हैं बस नेचुरल स्ट्रेट करने में। अगर मुझे बिल्कुल पिन स्ट्रेट करने हैं किसी फेस्टिवल के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, तो फिर मुझे 40 मिनट लग जाता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके और बहुत प्यार से आराम से आपको टाइम देके करना पड़ता है। तो मेरे पास ना बहुत लोगों के आ रहे थे कमेंट स्ट्रेटनर के बारे में कि आप जब स्ट्रेट करते हो तो एक बार वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं करने जा रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगी, और बिहाइंड द सीन्स काफ़ी सारा मैंने आज शूट किया पूरा दिन में, लेकिन वही है ना, एक वीडियो में नहीं डाल पाऊँगी, तो बाकी का जो रहेगा वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। और हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीछे से मैंने थोड़ा सा बाल का सेक्शन लिया था वो हो गया स्ट्रेट, उसको मैंने पीछे खुला हुआ छोड़ा हुआ है, और ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे बाल पिन किए थे उनको मैं धीरे धीरे निकालूंगी, उनके भी छोटे छोटे सेक्शंस बनाऊंगी, और फिर मैं जैसे जैसे स्ट्रेट होते जाएंगे उनको पीछे करती जाऊंगी। तो ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है, और ये हाफ़ में जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी तो जो अदर हाफ है उसको भी सेम तरीके से मैं स्ट्रेट कर लूंगी। इस तरीके से पिन लगा के और बालों को सेक्शन वाइज करके करने में आसानी रहती है, नहीं तो फिर आपके जो स्ट्रेट हेयर हैं और जो नहीं है वो सारे आपस में मिल जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से सेक्शन ज़रूर बनाइए, पिनअप ज़रूर कीजिए, बहुत ही आसानी से और एकदम टेंशन फ्री होके आप कर पाओगे, आपको ये डर नहीं रहेगा कि बाल मिक्स हो रहे हैं।
तो इसी तरीके से थोड़ा सा सिस्टमेटिक होके कर लीजिए। और अगर ये मेथड मेरा समझ नहीं आया आपको तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं और वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड के जो मेरे बाल हैं वो पूरे स्ट्रेट हो चुके हैं, एकदम नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने स्ट्रेटनिंग की है, एकदम नेचुरल। किसी किसी के होते हैं ना जैसे इतने ही स्ट्रेट होते हैं, वैसे ही लग रहे हैं। और दूसरी साइड के जो मेरे बाल हैं वो देखिए कितने फ्रिजी हो रखे हैं। तो मुश्किल से 10 मिनट लगा मुझे एक साइड करने में और दूसरी साइड में 10 मिनट और, यानी टोटल 20 मिनट लगेगा। अब जो बाल हो गए हैं उनको मैं इस तरीके से रबड़ बैंड कर लूँगी, और इस तरीके से करने से बाल ख़राब नहीं होते, तो उससे मत डरिएगा कि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हल्का रबड़ बैंड लगाइएगा, ये नहीं बहुत टाइट करके लगा लिया। और सेम प्रोसेस जो मैंने पहली तरफ किया था उसको मैं अब इस तरफ रिपीट करूँगी। सारे बाल उठा के मैंने ऊपर पिनअप कर लिए हैं और जो पीछे की साइड है वहाँ से मैंने थोड़ा सा सेक्शन लिया है बालों का, और ये छोटे छोटे सेक्शन धीरे धीरे मैं स्ट्रेट करूँगी और उनको पीछे की तरफ करती जाऊँगी। तो बस बहुत ही ईजिली फटाफट बाल जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। और ये जो धुआं निकल रहा है ना, इनसे घबराना मत, क्योंकि पीछे जो है ना, पीछे वाले बालों में जनरली पसीना रहता है और पीछे के बाल गीले गीले बने ही रहते हैं गर्मियों में ना, तो उसकी वजह से ये जो धुआं सा है वो आ रहा है, अदरवाइज़ ऐसा धुआं सारे बालों में नहीं निकलता है। और हाँ, हेयर प्रोटेक्शन सीरम ज़रूर लगाइएगा, मेरी जो है ख़त्म हो चुकी है, अदरवाइज़ मैं हमेशा लगा के ही करती हूँ, तो मैं अभी उसको ऑर्डर करने वाली हूँ। और अब देखिए आप रिज़ल्ट जो लास्ट में आया है, बाल एकदम अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं, एकदम नेचुरल लग रहे हैं। सबसे बढ़िया बात ये है, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर लगा होगा, अगर लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसके आगे का पार्ट मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।